जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा स्टार्टर के बारे में, है ना। तो इंडक्शन मशीन के स्टार्टर चार टाइप के थे, जिसमें दो टाइप ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टार्टर, इट इज द स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन द नेक्स्ट वी हैव द स्टार डेल्टा स्टार्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टर इट इज। चलो तो पहले देख लेते हैं उसमें ड्रॉबैक क्या है। डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर है वो केवल छोटे रेटिंग के मशीन के लिए अवेलेबल है और अप्लीकेबल है। जो रेजिस्टेंस स्टार्टर है, स्टेटिक स्टेटर रेजिस्टेंस और रियोस्टेट स्टार्टर, उसमें कॉपर लॉस होता है एक्स्ट्रा में, एंड हेंस इट इज नॉट जनरली यूज स्टार्टर। एंड देन यू हैव अ नेक्स्ट स्टार्टर, इट इज कॉल्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है, इसकी जो स्टेटर वाइंडिंग है, इसकी जो स्टेटर की वाइंडिंग है, स्टेटर मतलब बाहर वाली जो वाइंडिंग है, स्टेटर की वाइंडिंग, वो नॉर्मली डेल्टा में कनेक्ट होती है रन के समय, और ये स्टार में कनेक्ट होती है स्टार्ट के समय। मतलब क्या, इस वाइंडिंग को, जो एक थ्री फेज वाइंडिंग होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार फैशन में कनेक्ट किया जाता है, और रन करने के लिए डेल्टा फैशन में कनेक्ट किया जाता है। सर ये कैसे संभव होता है देखते हैं। बता बेटा, अगर हमारे पास ये थ्री फेज वाइंडिंग है, ये थ्री फेज सप्लाई आर वाई बी से सप्लाइड है, यहाँ पे आर वन से कनेक्टेड है, आर से कनेक्टेड है, वाई वन वाई से, एंड बी वन बी से कनेक्टेड है, तो ये सप्लाई आ रहा है थ्री फेज। अगर इन तीनों को कनेक्ट कर दें हम एक साथ, आर टू को, वाई टू को और बी टू को एक साथ कनेक्ट कर दें, इट बिकम स्टार। अब इधर आओ, यहां पे आओगे तो देखो, तो ये तीनों टर्मिनल, ये आर टू टर्मिनल, ये वाई टू टर्मिनल और ये बी टू टर्मिनल, तीनों एक साथ कनेक्टेड है, ये शॉर्ट सर्किटेड है। अगर तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, स्टार। यानी कि जब ये स्विच इस साइड आएगा, ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने का मतलब क्या है, आर वन वाई वन, आर टू वाई टू एंड बी टू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इट बिकम स्टार। तो इस साइड ये कौन सा कनेक्शन होगा, स्टार कनेक्शन। नेक्स्ट, जब ये स्विच इस साइड जाएगा, जब ये स्विच इस साइड जाएगा, तो देखो तो क्या हो रहा है, अगर इस साइड जा रहे हो तो तुमको आर वन बी वन, आर वन वाई टू से कनेक्टेड है, आर वन वाई टू से कनेक्टेड है, वाई वन बी टू से कनेक्टेड है, वाई वन बी टू से कनेक्टेड है, एंड बी वन आर टू से कनेक्टेड है, तो बी वन आर टू से कनेक्टेड है। अगर इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हो, डेल्टा। यानी कि आर वन को वाई वन से दो अलग अलग टर्मिनल ले लो, मतलब यहां से ये आर वन है, ये R1 को इस I2 से कनेक्ट कर दो, यानी कि इसको इधर कनेक्ट कर दो, फिर इस B2 को Y1 से कनेक्ट कर दो, क्या बन जाएगा, ये डेल्टा बन जाएगा, इट बिकम इक्वल टू डेल्टा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये स्विच इस साइड कनेक्ट होगा, तो ये डेल्टा कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन का एक मेथड है, R1 को Y2 से कनेक्ट कर दो, Y1 को B2 से कनेक्ट कर दो, एंड B1 को R2 से कनेक्ट कर दो, इट बिकम अ डेल्टा। तो इधर अगर स्विच कनेक्ट होगा, इट बिकम अ डेल्टा। ये स्विच जो काम करता है, इधर कनेक्ट करेगा तो डेल्टा, इधर कनेक्ट करेगा तो स्टार। यानी कि इस पूरे मेथड में ओनली हमको एक स्विच की जरूरत होता है। दिस स्विच इज नोन ट्रिपल पोल डबल ट्रिप स्विच, टीपीडीटी स्विच। दिस पोल इज कॉल्ड ट्रिपल पोल डबल ट्रिप। ट्रिपल पोल मतलब तीन आर वाई बी, या ट्रिपल फेज भी बोला जाता है। तो ट्रिपल पोल और ट्रिपल फेज, तीन फेज है, आर वाई बी फेज, डबल ट्रिप मतलब दोनों तरफ ट्रिप होता है, कॉल्ड ट्रिपल पोल या ट्रिपल फेज डबल ट्रिप स्विच। तो ओनली वी रिक्वायर द टीपीडीटी स्विच, दैट्स इट। अब होगा क्या, कैसे इसमें हमको स्टार्टिंग करंट कम होता है, द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टर इज टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। कैसे कम होता है, जब ये स्टार में कनेक्टेड होता है, देखना बेटा, जब ये स्टार में कनेक्टेड होता है, तो जो भी यहां लाइन की वोल्टेज होगी, यहां वोल्टेज क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है VL, तो जो भी लाइन की वोल्टेजेज होगी वो स्टार में कनेक्ट हो जाएगी। जब ये स्टार में कनेक्टेड होगा एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ये स्टार में जब कनेक्टेड होगा, तो इस दो टर्मिनल पे कौन सी वोल्टेज अप्लीकेबल हो जाएगी, इट इज द VL। अच्छा, जब ये VL यहां अप्लाई होगा, तो पर फेज वोल्टेज कितना होता है स्टार में, VL बाई रूट थ्री। हाँ, तो पर फेज वोल्टेज कितना आया, VL बाई रूट थ्री। जब ये डेल्टा में, नॉर्मली कैसे ऑपरेट होना चाहिए, नॉर्मली मशीन होता है डेल्टा में, नॉर्मली जो मशीन है इसमें डेल्टा में होना चाहिए। डेल्टा में जब कनेक्ट हुआ, तो यहां की वोल्टेज क्या है, VL है। यानी कि जब आप स्टार्ट स्टार में स्टार्ट करते हो, जब आप स्टार्ट स्टार में करते हो, तो यहां वोल्टेज VL ना रह के VL बाई रूट थ्री हो जाती है। अगर स्टेटर की वोल्टेज कम हो जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट स्टेटर करंट कम हो जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है स्टार्टर में, टू रिड्यूस द स्टेटर वोल्टेज, टू रिड्यूस द स्टेटर वोल्टेज, इट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टर। तो हम करते क्या है, स्टार में इसको स्टार्ट किए, तो स्टार जब स्टार्ट करते समय हमको कम वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या किए, स्टार में कनेक्ट कर दिए, तो जो भी वोल्टेज यहां प्रेजेंट था
उसका बाई रूट थ्री आ गया, यानी कि वीएल बाई रूट थ्री आ गया। और जब हम डेल्टा में कन्वर्ट किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वीएल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि नॉर्मली डेल्टा में ऑपरेट होना चाहिए। स्टार्ट करने के लिए स्टार यूज करते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर। बट इसके पास एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि बेटा मशीन जो है डेल्टा में ऑपरेट हो रहा है, मशीन जो है वो ऑपरेट डेल्टा में हो रहा है ना, मात्र स्टार्ट हो रहा है स्टार में, ऑपरेट हो रहा है डेल्टा में। तो आपको पता है कि डेल्टा स्टेटर वाइंडिंग इज ओनली अप्लीकेबल टू 3.3 किलोवोल्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो डेल्टा की स्टेटर वाइंडिंग होती है ये तो मात्र 3.3 किलोवोल्ट तक ही संभव है या फिर यूज की जाती है जनरली, इसलिए इस मशीन की रेटिंग लिमिटेड होती है, इट इज ओनली लिमिटेड अप टू 3.3 किलोवोल्ट। इससे ऊपर की मशीन में ये स्टार्टर यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी वाइंडिंग ऑलरेडी स्टार होती है, तो तुम स्टार्ट कैसे करोगे उसको स्टार में। इसमें तो इसकी वाइंडिंग डेल्टा में है, देन यू कैन स्टार्ट इन स्टार। इफ द वाइंडिंग इज ऑलरेडी इन स्टार देन हाउ यू कैन स्टार्ट इन स्टार, यानी कि हमको क्या है कि बाइंडिंग ऑलरेडी अगर स्टार में है तो हम कैसे स्टार्ट करें इसको स्टार में। सिंस ये डेल्टा में तभी होगा जब 3.3 किलोवोल्ट से कम की रेटिंग होगी, तब डेल्टा बाइंडिंग होगा, तब स्टेटर बाइंडिंग डेल्टा में होगा, हम किस में स्टार्ट कर लेंगे, वी कैन स्टार्ट इट इन स्टार। तो ये था स्टार डेल्टा स्टार्टर। इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड बिकॉज इट इज ओनली रिक्वायर्स अ टीपीडीटी स्विच, खाली एक टीपीडीपी स्विच लगेगा और काम हो जाएगा। बट इसकी लिमिटेशन क्या है, इट्स ओनली एप्लीकेबल अप टू 3.3 किलोवोल्ट। यू आर राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट। इन दिस मेथड स्टेटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इज कनेक्टेड इन ए स्टार एक्सटर्नली, इज कनेक्टेड इन ए स्टार एक्सटर्नली एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड इन डेल्टा एट टाइम ऑफ रनिंग hence this star delta conversion, can be achieved by TPDT switch, triple pole double trip switch, TPDT switch. Next point. It is only applicable in the machine. Whose stator is connected in delta. That is up to 3.3 kilovolt. Next point. When the machine is a start in a star, then the phase voltage become equal to, VL by root 3, hence stator current reduces at starting. Next, at time of running, it is normally operate at VL.
इट इज नॉर्मली ऑपरेट एट वी एल, इट इज नॉर्मली ऑपरेट एट वी एल. द फोर्थ द मेथड ऑफ स्टार्टिंग डेट इज कॉल्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर. यानी कि अभी जो हमको स्टार्ट करना है वो बाय द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करना है. मान के चलो ये आपका थ्री फेज स्टेटर है, इट इज द थ्री फेज स्टेटर, इट इज द आर फेज, इट इज द वाई फेज और ये बी फेज है. ये थ्री फेज स्टेटर है. इट कैन बी सप्लाइड बाय अ थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर इट कैन बी सप्लाइड बाय अ थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर. आई होप कि आपको पता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है. इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, उसी में टैपिंग करी जाती है और उसी टैपिंग से हम लोगों को आउटपुट मिलता है. तो इट इज कनेक्टेड like this in this tapping, tapping by this method, tapping method. Next it is connected like this. Oh, it's not the Y, there is the Y. Okay, make a correction. It is the R phase, here it is the Y phase. It is a Y phase. R wala R se, Y wala Y se, and the B phase are connected like this. Okay, so you can connect a three phase stator with a three phase star winding, three phase star winding of stator by a three phase auto transformer, and this whole is supplied by a three phase supply. ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज सप्लाइड बाय थ्री फेज सप्लाई. ठीक है, हमारे पास थ्री फेज सप्लाई है. ये क्या है आपका, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है और ये आपका थ्री फेज स्टेटर. ओके, इट इज स्टेटर ऑफ इंडक्शन मशीन. नाउ लेट अस डिस्कस, हमारा मेन पर्पस क्या होता है. The R phase, it is the Y phase, and here is the B. हमारा मेन पर्पस क्या होता है, वोल्टेज को कम करना. आपको पता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जैसे ही टाइपिंग चेंज की जाती है वैसे ही वोल्टेज कम हो जाता है. तो हम करते क्या है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में, ये आपके लैब में पड़ा होगा, आप जाओगे मशीन लैब में, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर होगा आपके लैब में. होता क्या है, इसको जैसे जैसे हम मूव करते हैं स्टार्टर की वैल्यू शुरू में क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी कि स्टार्टर वोल्टेज कम कर देते हैं, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर को शुरू में लो टर्न्स पे रखते हैं. लो टर्न्स पे रखने पे वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और जैसे जैसे मशीन ऑपरेट होने लगता है, स्टेटर करंट ऑलरेडी कम होने लगता है, इसको धीरे धीरे हम बढ़ा देते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे कर देते हैं. इस तरह से बाय रिड्यूसिंग द स्टेटर वोल्टेज बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑटो ट्रांसफॉर्मर वी कैन रिड्यूस द स्टेटर करंट, है ना. तो ये तीन चार टाइप के मेथड्स है जिससे कि इंडक्शन मशीन स्टार्ट किया जाता है. आप अप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में लिखे हुए थे कैसे एक थ्री फेज स्टेटर को हम लोग कैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं स्टार्टिंग में. तो वहां एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टार्ट अ थ्री फेज इंडक्शन मशीन. यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखोगे पहला पॉइंट, बाय द हेल्प ऑफ थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बाय द हेल्प ऑफ थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बाय द हेल्प ऑफ थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ स्टेटर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस, इज रिड्यूस, हैंस हैंस द स्टेटर करेंट ऑल्सो रिड्यूस, हैंस द स्टेटर करेंट ऑल्सो रिड्यूस. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एक्सपेंसिव मेथड. नेक्स्ट पॉइंट हो गए, इट इज एक्सपेंसिव मेथड, इट इज एक्सपेंसिव मेथड एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज कॉस्टली. It is expensive method as auto transformer is costly. मतलब क्या है, ये expensive method definitely, ये auto transformer जो है ना महंगा है as compared to TPDT switch. एक switch के compare में transformer तो महंगा ही होगा always. It is always expensive method. तो ये generally use तो नहीं किया जाता, but
बट ये मोस्टली यूज किया जाता है लेबोरेटरी में टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स. ओके, तो ये इट्स अबाउट ऑल अबाउट द थ्री फेज इंडक्शन मशीन डेट वी हैव. नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, है ना. तो जैसे हमने थ्री फेज कवर किया है, सिमिलरली वी हैव अ सेकेंड मशीन डेट इज कॉल्ड सिंगल फेज इंडक्शन मशीन.